अस्सलाम वर्स सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुबहाना ताला का शुक्र अदा करूँगी और उसके बाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और मेरी पजीराई कर रहे हैं मेरी हौसला अफज़ाई कर रहे हैं आज मैं आपके लिए एक नई डिश नई तो नहीं कहना चाहिए एक मेरी सीरीज़ में एक नई डिश है जो कि स्वीट डिश है गाजर का हलवा गाजर का हलवा यूँ तो बहुत तरीके से बनाया जाता है इसके मुख्तफ अंदाज हैं हर घर में अलीदा तरीक़े से बनता होगा लेकिन मैंने नहाय सादा तरीके से बनाया है जो कि हमारा सदियों पुराना तरीका सबसे पहले मेरा ख्याल है गाजर के हलवे की जब इन्वेंशन हुई थी या इसका अमल शुरू हुआ था तो यही रेसिपी अपनाई गई होगी तो मैंने भी उसी तरीके से अपने फोरफादर्स वाले तरीके से ही ये रेसिपी बनाई है उम्मीद है आपको पसंद आई आए, आएगी इन इसके बहुत से फ़वाद हैं ये सर्दियों की डिश है सर्दियों में चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसके अंदर तमाम गज़ाइत से भरपूर जो हमारे जिसम को जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो इसमें मौजूद होती है तो चलिए बजाय पहले बजाय इसके कि आप बोर हों अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी तो वीवर्स गाजर के हलवे की तैयारी के लिए मैंने फ़्रेश गाजरें ले ली हैं ढाई से तीन के जी उनको धोकर अच्छी तरह छील कर कद्दूकश कर लिया है आप जितनी फ्रेश गाजरें लेंगे उतना अच्छा आपका हलवा बनेगा और मैंने छ लीटर सिक्स लीटर फ्रेश फुल क्रीम मिल्क ले लिया है और दूध को पकने के लिए रख दिया है और गार्निशिंग जब दूध पक रहा है उसके अंदर पाँच से सात बड़ी इलायची डाल दी है अखरोट डालने के लिए आपकी मर्जी है और उसके ऊपर बादाम वग़ैरह उसकी गार्निशिंग के लिए और मैंने हाफ के जी या चीनी ले ली है दूध के पकने के बाद उसके अंदर मैंने कद्दूकश की हुई गाजरें डालनी है और उसको पकने के लिए रख दिया शुरू में हमने मीडियम लो फ्लेम पे उसे पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए उसके बाद मीडियम फ्लेम कर देना है आते जाते चम्मच हिलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा गाजरें गलना शुरू हो जाएंगी आपकी मर्जी है अगर कुछ लोग पहले से गाजरें علیحدہ गलाकर डालते हैं लेकिन मैंने तमाम चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके डाल दी अभी मैंने चीनी नहीं डाली और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने अभी नहीं डाले अब यह आपके चूल्हे की हिद्दत पे है कि कितनी देर में ये दूध खुश्क होता है और गाजरें गलती हैं अगर तेज़ आंच है और आपकी अच्छी गैस सुई गैस आ रही है तो जल्दी बन जाएगा घंटे डेढ़ में ये बहुत आसान है बहुत सादा है अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कैमरा जो है आपको पता है आजकल सबसे बड़ा सर्दियों का प्रॉब्लम फॉग है जो रोड पे निकलते होंगे उन्हें भी इसका सामना करना पड़ा पड़ता होगा लेकिन आज मेरे कैमरे को चूल्हे के पास फॉग का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए मैं दोबारा पिक्चराइज़ भी नहीं मुझे पता चला कि कि ये कुछ मेरे साथ हो चुका है तो आप अब मैंने चीनी डाली है अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा तो मेरा कैमरा बुरी तरह फॉग की लपेट में है क्योंकि बाहर सर्दी ज़्यादा थी तो इस वजह से मैं आपको बताती चली जा रही हूँ अब हमारा दूध जब खुश्क हो जाए फिर आप चीनी ऐड करें और चम्मच मसलसल हिलाती रहें लेकिन आपने एकदम से पूरी चीनी ऐड नहीं करनी है आप अपने जायके के मुताबिक कुछ लोग कम पसंद करते हैं कुछ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालें और उसे चखते रहें कुछ लोग इसके अंदर देसी घी डाल के भुनाई करते हैं लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं ना मैंने कोई किसी किस्म का देसी घी देसी ऑयल कुकिंग ऑयल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की मैंने सिंपल इसकी भुनाई की है और भुनाई भी उतनी करनी है नहीं करनी है कि थोड़ा थोड़ा जूसी रहे जी तो व्यूवर्स मैंने डिश आउट कर दिया है और खोए और बादाम से उसकी डेकोरेशन की है आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मर्जी के काजू किशमिश जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको यह सिंपल सा तरीका मेरी सिंपल सविश आपको पसंद आई होगी ये बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाला और बहुत ज़्यादा ज़ाइत का हामिल गाजर का हलवा है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसे मेहमानों के खातर तोज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे इस चाय के साथ मीठे के तौर पर पेश कर सकते हैं इन सबको पसंद आएगा अपनी दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़